हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, अभी जस्ट मेरी पूजा हो गई है, और क्योंकि आज है संडे और आज पापा का स्कूल नहीं होता है, तो ना संडे के दिन थोड़ा सा आराम से मैं काम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हैट्रिक नहीं होता सुबह सुबह। तो अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ और अब लगूंगी किचन में, खाना वाना बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। तो मैं इधर लाइक पूजा करके ना कमरे में आ गई थी बाबू को देखने के लिए, कि मतलब जब मैं पूजा करने जा रही थी तो बाबू सोया हुआ था, फिर मैंने अभी आके देखा तो बाबू अभी यहाँ नहीं है। तो बाबू के पापा उसको बाहर घुमा रहे हैं, तो जब वो सो के उठ जाता है ना तो थोड़ी देर हम उसको बाहर घुमा लेते हैं, तो वो लाइक बहुत अच्छा लगता है उसको, थोड़ा खेल लेता है। और अभी वो बाहर है, सब लोग बाहर ही खड़े हैं, बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बातें आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल वॉइस ओवर से ही काम चला रही हूँ, आपसे बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ अब फटाफट से किचन में खाना वाना बनाने। तो आज मैंने सोचा था कि मैं सहजन की सब्जी बनाऊँगी, और उसके बाद में क्या हुआ ना कि पापा को अर्जेंटली कहीं जाना था, तो पापा ने मुझे बोला कि कुछ भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना दो, नाश्ता मैं खा के चला जाऊँगा, दो रोटी बना दो। और सहजन की सब्ज़ी बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको काटना होता है, छीलना होता है, और वैसे भी सब्ज़ी भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे झटपट से दो चार करेले थे, उसमें दो चार आलू और दो चार प्याज वगैरह काट के अच्छे से, फिर मैंने उसका एक अच्छा खासा भुजिया बना दिया, आटा गूंद के फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, ताकि मैं पापा को नाश्ता दे सकूँ। पापा ना नाश्ते में सिंपल सा सब्ज़ी और रोटी खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन मैं सोचूंगी कि कुछ अलग सा मैं उनको बना के खिला दूँ, पोहे वगैरह, तो वो ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और रोटी सब्ज़ी लाइक हेल्दी तो है ही, और साथ में ना थोड़ा सा हैवी नाश्ता भी हो जाता है तो अच्छा रहता है। और फिर पापा को मैंने खाना वगैरह दे दिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ लग गई थी सहजन की सब्ज़ी बनाने में। मुझे ना यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने सोचा इसमें बैंगन डाल दिया जाए। और बैंगन जो है हमारे घर पे ना, यहाँ देख सकते हैं आप, पौधे में ही लगे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे बैंगन हैं, फूल भी आ चुके हैं, और यहीं साथ में ना आम के पेड़ में बहुत सारे पान के पत्ते भी लगे हुए हैं, हमने लगाया है, और यहाँ पर आम भी फले हुए हैं छोटे छोटे से। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि एक बड़ा सा बैंगन फैला हुआ है बैंगन के पौधे में, शायद ये छुप गया था इसलिए हमें दिखा नहीं, तो हमने इसको तोड़ा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसमें ना काफ़ी बीज हो गए होंगे, मैंने कहा कि वेस्ट हो गया है बैंगन, मैंने कहा चलो तोड़ते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसकी कंडीशन। लेकिन जब मैंने इसको कट किया ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट था, इसमें बिल्कुल बीज वगैरह कुछ भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सही सा था। फिर मैंने इसको कट करके ना सहजन की सब्ज़ी में डाला, और सहजन की सब्ज़ी में जब हम बैंगन डालते हैं ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, लाइक थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, और साथ में क्या होता है कि खाने में भी बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो सहजन की सब्ज़ी मैं बनाती कैसे हूँ, इसकी ना रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया है, तो शॉर्ट्स वगैरह आप मेरे चेकआउट कर सकते हैं। और सहजन की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और हेल्दी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सहजन खाने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सहजन खाने के कितने सारे बेनिफिट हैं, और इसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो अभी हुआ है मेरे किचन का काम, और आज ना थोड़ा कमरे की सफाई करूँगी, रोज़ सोचते सोचते तो नहीं कर पा रही हूँ, बट आज मैं करूँगी। सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी जस्ट मैंने बाम लगाया है, और कमरे की हालत ना बहुत गंदी हुई पड़ी है। बहुत दिन से सोच रही हूँ सफाई करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो करती नहीं हूँ, बट आज फाइनली करूँगी। तो ये सब पूरा सब कुछ ऐसा सा पड़ा है मेरा कमरा, सारा कुछ आज मैं जा रही हूँ समेटने। मन्नो क्या खा रहा है बेटा? क्या खा रहे हो? बाप रे, बुआ क्या खिला रही है? आम तस्ते। बुआ बोल रही है आम खाते ही जाओ, खाते ही जाओ लल्ला। बोल रही है ना बुआ आम खाने के लिए, बोल रही है। वाओ 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 वाओ, मेरी बेटी खा लो। लेकिन आम अभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी आम अच्छा नहीं है बेबी लोग को। बेबी लगूंगी, मैं अपनी मम्मा का बेबी लगूंगी।
इधर अरे अरे ए अरे 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 अरे। तो यहाँ ना पार्सल वाले भैया आ गए थे। एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो वही लेकर वो आ गए थे, और मैं ये वाले पार्सल के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं माँ की चूड़ियों में सेट लगा रही हूँ, क्योंकि आज माँ को जाना है शादी में, इसलिए तो आज माँ पहनने वाली है हल्का गोल्डन और पिंकिश कलर साड़ी, तो इसलिए मैं यहाँ पर माँ की चूड़ियों में सेट लगा रही हूँ। पता नहीं यहाँ थोड़ा सा वीडियो ब्लर कैसे हो गया था, शायद कैमरे पे कुछ लगा हुआ था इसीलिए। और साथ साथ में मेरे कमरे की सफाई भी कैरी ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छे से अपना कमरा चमकाया, सब कुछ पोछ पाछ के। और उसके बाद ना चूड़ी वगैरह सब कुछ इतने ज़्यादा फैले हुए थे मेरे, तो मैंने सबको अच्छे से सेट लगा के रखा ताकि जब मैं पहनूँ तो ईज़िली मुझे सारी चूड़ियाँ मिल जाए। तो बस यही सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और कबाड़ आप देख सकते हैं कि मेरे कमरे से कुछ इस तरीके का कबाड़ आज निकला हुआ है गाइस। एंड फिर यहाँ पर ना कोई मेहमान आ गए थे घर में, तो माँ ने बोला कि चाय बना दो सबके लिए, तो 3-4 लोग आए हुए थे, तो यहाँ सबके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और शायद शाम का टाइम भी हो चुका था, लगभग 3:30-4 ऑलमोस्ट बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबके लिए चाय साथ में ही बना देती हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पर गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। और सबको चाय वगैरह देने के बाद में ना फिर माँ को शादी में जाना था, तो यहाँ पर मैं माँ की साड़ी में पिन लगा रही हूँ, लाइक पिनअप वगैरह मैं उनको करके दे रही थी। और ये जो साड़ी है ना ऑर्गेंजा साड़ी है, तो ऑर्गेंजा साड़ी ना लिटरली इसको पिनअप करने में ना लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि एक युद्ध जीतने के बराबर हो सकता है मे बी, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा लाइक इसको सेट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और मैं यहाँ पर ना माँ को रेडी कर रही हूँ, उनको चूड़ी वगैरह सब पहना रही थी, चूड़ियों का सेट वगैरह लगा के। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं अपनी मम्मी को भी ऐसे ही तैयार किया करती थी, इवन सिर्फ मैं नहीं हम तीनों बहनें ना अपनी मम्मी को भी ऐसे ही तैयार किया करते थे साड़ी वगैरह में पिन। उस टाइम मुझे साड़ी में पिन लगाना तो नहीं आता था, बट बाकी सब कुछ मैं करती थी और बाकी सब दीदी लोग किया करते थे। पेन का है, पेन पेन मैं मम्मा से पहनने जा रही हूँ, अंगूठी पहनने रही हूँ। ये मम्मा से मेरा निकाल का पहन रही हूँ। चलो शादी में जा रही हूँ।
हाँ रख लो। मैं ना खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ और साथ में बनाने की भी बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे जब जो चीज़ मन हो जाता है ना खाने पीने का, और घर में अगर इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो तो मैं ज़्यादा नहीं सोचती, तुरंत बना लेती हूँ। जैसे मुझे ना आज कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो गया था, तो घर में सारी चीज़ें थी तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं कैसी लगती है। और कोल्ड कॉफ़ी ना मैं कॉलेज के टाइम पे बहुत पिया करती थी, उसके बाद आज पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी कोल्ड कॉफ़ी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैं बहुत अच्छा लगा। और अब मैं जा रही हूँ, शाम का काम करूँगी, वही बर्तन वगैरह धोऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद खाने में लगूँगी। तो भाई साहब यहाँ देखो आप बर्तनों का जो पहाड़ है, अभी मुझे फटाफट से पहले इनको ख़त्म करना है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या। गर्मियों में ना बर्फ़ का तो लाइक काम आ ही जाते हैं, कभी कुछ भी बनाना हो, लस्सी, जूस, शरबत, या फिर लाइक जो भी चीज़ें बनानी हो, तो मैं बर्फ़ लाइक यहाँ पर जमा के रख ही देती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाते हैं। उसके बाद ना अब शाम का टाइम हो चुका था और आज बहुत सारे बर्तन थे, खैर वो तो रोज़ ही रहते हैं। आज कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी मैंने बनाया था ना, तो काफ़ी सारे बर्तन थे, तो वही सब फिर मैंने धुले सारे बर्तनों को। अभी जस्ट शाम का काम करके मैं फ्री हुई हूँ और यहाँ ना बाहर आंगन में घूम रही थी, तो इतने टाइम क्या रहता ना बाबू को थोड़ा बाहर घूमने का मन करता है, और शाम के टाइम मैं इसको थोड़ा घुमा भी देती हूँ, थोड़ा सा खेल लेता है। लल्ला उधर नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करते, इधर देखो तो शोना, तो यहीं बाहर बैठी हुई थी, अब इसको मैं घुमा लूँगी ना, उसके बाद फिर खाना वगैरह देखती हूँ क्या बनाना है। और माँ आज है नहीं, माँ गई हुई है शादी में, और शायद वही 9-10 बजे तक आएंगी, तो देखते हैं। आज गांव में भी शादी है तो माँ बोल के गई हैं कि चली जाना, लेकिन मेरा ना जाने का मन नहीं है, और पापा भी अभी बोल रहे थे कि चले जाना। वैसे भी अभी खाना वाना बनाऊँगी, फिर सबको खिलाना पिलाना, और काम वाम करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो इसलिए फिर मेरा जाने का ऐसा कुछ मन नहीं है। तो कल जाना है रिसेप्शन में, तो कल का देखते हैं, बाकी आज तो नहीं जाएंगे। लल्ला सबको जय श्री कृष्णा बोल दो, इधर देखो जय श्री कृष्णा बोल दो, जय श्री कृष्णा। पता नहीं फ़ोन में इसको देखने का मन ही नहीं करता है, फ़ोन सामने लाओ ना तो इधर उधर ऐसे नज़रें मारता रहता है। अभी भैया गए हुए हैं मार्केट, तो मैंने उनको बोला कि भैया घर में पालक रखा हुआ है तो आप पनीर लेके आना, मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फिर दीदी कह रही है भाभी सुबह बना लेना, अभी मत बनाओ। मैंने कहा ठीक है सुबह बना लेंगे, फिर अभी देखती हूँ कि क्या बनाना है, लौकी वगैरह कुछ बना लूँगी। तो अभी इसको थोड़ा सा घुमा लूँ बाहर, उसके बाद जाऊँगी। और आज पता है आज ना इतना ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिला, किचन के कामों से फ्री होके ना आज लाइक कमरे की सफाई करने लगी थी, और कमरा बहुत अच्छी तरह से मैंने आज क्लीन किया। मतलब रोज़ सोचती हूँ कि हाँ करना है, लेकिन वही रहता है ना कि किचन का काम ख़त्म करने में मुझे लगभग 12-1 तो बज ही जाते हैं, कभी कभी तो 1 बज जाते हैं, वैसे 11:30-12 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर बाबू को ले लो, फिर बाबू वहाँ सो जाता है, और फिर इसको ही देखो सुलाओ, तो मुझे ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं किचन में कोई भी काम करूँ, लाइक अपना रूम वगैरह क्लीन करूँ। बट आज मैंने सोचा कि नहीं आज तो मुझे करना ही है, तो वही सब करने लगी, तो मुझे पूरा 2-3 घंटे लग गए थे, पूरी चूड़ी वगैरह समेट के सब कुछ रेडी करने में, सब कुछ जमाने में तो बहुत टाइम हो गया था, लेकिन सब कुछ मैंने अच्छे से समेट लिया है। और फिर अभी देखती हूँ कि क्या करना है, पापा भी अभी खेत गए हुए हैं, और ये भी अभी शॉप पे हैं। लैला थोड़ा सा देख लो बेटा, देखता भी नहीं है बिल्कुल। तो मैं ना लौकी नॉर्मली सिंपल वाली बनाती हूँ, बट आज मैं बना रही हूँ मसाले वाली लौकी। इसको भी लाइक बहुत इजी तरीके से ही बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ। सबसे पहले तड़के में ना मैंने मिर्ची, लहसुन, जीरा और सरसों सब कुछ डाला, फिर टमाटर डाला, उसके बाद सूखे मसाले डाले मैंने इसमें, लाइक धनिया हो गया, हल्दी हो गया, और लाल मिर्च वगैरह, नमक, और चने का जो दाल होता है ना वो भी डाल दिया मैंने इसमें। और लौकी थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही कट करते हैं, बहुत टेस्टी लगता है बड़े पीसेस में कट करके, और इनमें ना एक सीटी लगा दूंगी, बस बन गई लौकी की सब्ज़ी। और आज भैया मार्केट गए हुए थे ना, तो उन्हें पता है कि मुझे मोमोज पसंद है, तो वो मेरे लिए ना ले आते हैं मोमोज। वो भैया लाइक बहुत ध्यान रखते हैं मेरे खाने पीने चीज़ों का, कि भाभी को अगर कोई चीज़ पसंद है तो मैं उनके लिए ले चलूँ, ऐसा वो मतलब करते हैं। कभी भी जाते हैं ना तो मेरे लिए चीज़ें ज़रूर लाते हैं, तो मैं यहाँ मोमोज खा रही हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं मोमोज।
और क्या है ना कि लहसुन वगैरह सुबह सुबह छीलना मेरे लिए बहुत हैट्रिक हो जाता है, इसलिए मैं लहसुन ना एक ही बार छील के रख देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी में भिगो के मैं छीलती हूँ लहसुन। क्यों रो रहे थे आप, क्यों रो रहे थे लैला? क्यों रो रहे थे? मुंह बंद करो बाबू। क्यों रो रहे थे सुनना है मुझे, क्यों रोए? पानी पीना है। कांचू क्या बोल रहे हैं पापा? गाइस ये मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग रहा है एंड होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे, और अगर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।